पाकिस्तान बनने जा रहा है, लेकिन नहीं जनाब, हम तो उस कायद जो कायद ने हमें पाकिस्तान दिया, हम इंशाल्लाह अजीज उसी को सजता धजता देखेंगे, और यौम आज़ादी जो है उसी पुराने कायद के पाकिस्तान के साथ मनाएंगे। खुदा करे हमारे आने वाले जो हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो नया पाकिस्तान बनाते बनाते कहीं पुराने का हुलिया ना बिगाड़ दें, जैसे कि माजी के हुक्मरानों ने किया। और उस माजी के हुक्मरानों के सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, मैं नहीं उधर, हम आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, हम आज आपको प्रोग्राम बाकमार लोग में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर जो पिछला हमने प्रोग्राम किया था कि ऑल एक्सपेरिमेंट्स ऑन PIA जो पिछले कई दहाइयों से हो रहे थे, और उसने PIA का जो हाल किया वो ऑक्सीजन टेंट में चली गई, फिर ऑक्सीजन टेंट से होती हुई वो वेंटिलेटर में चली गई। खुदा करे वेंटिलेटर हट जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हट जाएं, और ये फिर 80 की दहाई वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भागे दौड़े और तमाम दुनिया में इसका राज हो। तो ग्रेट व्यूअर्स, बाकमाल लोग, हमारा प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम को आपने बेहद पसंद किया, हम आपके बेहद ममनून हैं। उसको व्हाट्सएप पे आपने लाइक किया, उसको आपने तमाम लिंक्स पे लाइक किया, हम यकीनन उसको और इम्प्रूव करेंगे प्रोग्रामों को। लाइक इस वाइज मेरा आपने अप्रिशिएट किया, आप हमारे ब्लॉग्स पसंद करते हैं, आप हमें ट्विटर पे मैसेज भेजते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, हम आपको अपने साथ साथ रखते हैं क्योंकि आप हैं बाकमाल लोग। तो ग्रेट व्यूज, आज खूसी तौर पर प्रोग्राम करने की नौबत इसलिए आ गई कि चूँकि हमने आपको इदारों की जबूं बाली और फिर उसकी बहाली के ऊपर ये प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आपके तावन से, आवाम के तावन से, और यकीनन हुक्मरानों की आंखें खुलती खुली रहीं, खुलती रहेंगी, तो ये प्रोग्राम कामयाब होंगे, इदारे जो हैं वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह अजीज। दो तीन रोज पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो ऑफिशियल ट्विटर पेज है उस पर एक खुशाइन खबर लगी हुई थी कि PIA के जो नेशनल कैरियर का मेंटेनेंस हैंगर है उसने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है, और A320 जो जहाज़ है यानी Airbus A320 उसकी मेंटेनेंस की है, उसके जो सालाना चेक्स होते हैं वो प्रॉपर कर दिए, ये किया वो किया। नॉर्मल लोगों के लिए तो ये बड़े अचंभे की बात होगी, एक मुजमिल एयरलाइन जो है उसने कोई $10,000 की बचत कर ली, और हमने उस पर लिखा कि बड़ा अच्छा किया है, लेकिन ये बचत एयरलाइन बचत नहीं करती थी, ये तो कमाती थी, तो $10,000 जो आपने बचाए, वेल डन, वेरी नाइस। लेकिन उसके बाद साथ ही हमने ये कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि अगर मेंटेनेंस ठीक हो, अगर कंघी बाल बाल सही संवारे जाएँ, कल पुर्जे ठीक किए जाएँ, और इन जहाज़ों को जो इसके SOPs के मुताबिक इसकी सारी देखभाल होती रहे, इसकी ट्रिमिंग होती रहे, इसकी ग्रूमिंग होती रहे, इसकी मेंटेनेंस होती रहे, तो फिर ना तो जहाज़ मुल्तान में गिरे। इतने अफसोसनाक हादसे अगर आज आपको गिनाने शुरू करूँ तो आपकी खून के आंसू रोएं। लेकिन चलिए, माजी गुजर गया, अब सुना है कोई पाकिस्तान नया बनाने वाले हुक्मरान आ रहे हैं, हम पुराने पाकिस्तान, पुरानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और अपनी पुरानी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं
उनको इंशाल्लाह थामे रखेंगे, उनको बेहतर करेंगे। वो अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनते देखा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ लगाया, वो कैसे उसको भूल सकते हैं? वो कायद के पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं? वो कायम शिकनों को कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान का हुलिया किन्होंने बिगाड़ा? सबको मालूम है कैसे बिगड़ा, सबको मालूम है कैसे बना, सबको मालूम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कैसे बनी। शायद नहीं मालूम तो मैं एक दफ़ा फिर इसको अब दोहराई देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, कि ये ओरिएंट एयरवेज थी और पाकिस्तान का जो बहुत ही ग्लोबल घराना था अस्पानी, उन्होंने अपनी एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज जो थी वो जब पाकिस्तान बना तो कफ़ुतन कायद को दे दी और फिर इसका नाम रखा गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो स्लोगन था, पाक मार लो लाजवाब सर्विस, पाक मार लो तो रहे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नापेद होते गए, लेकिन लाजवाब सर्विस जो है वो बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद हो गए। उसमें हम ज़्यादा स्टाफ को जिम्मेदार ठहराते हैं, न जाने क्या क्या उनके ऊपर थोपते हैं, चोरियों के इल्ज़ाम लगाते हैं, सब कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, नुकसान के इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन नहीं आप, हम पहले भी कह चुके हैं कि इसको दबोने में, इसको नुकसान पहुंचाने में हुक्मरानों के यारों का हाथ था, हुक्मरानों का हाथ था, पॉलिटिकल इंडक्शन थी, कमीशन माफिया था और रूट्स बेच दिए गए, रूट्स कंटेल कर दिए गए, हर जगह हर एक एक सीट पे एक एक ट्रॉली जो खाने की ट्रॉली है, एक एक कंबल जो है, हत्ता के होली वाटर, आब हयात, आब जमजम, बेशुमार चीज़ें, इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्राउंड स्पोर्ट्स सर्विसेज, मैनी अदर, जहाँ जहाँ किसी का दाव लगा वो इसको नोचता रहा, वो इसको होलसेल की तरफ नोचता रहा। तो हमने जो पोस्ट लगाई उस पर हमने लिखा कि जनाब $10,000 आपने बचा लिया, ये लाखों डॉलर कमाने वाली एयरलाइन थी। अभी दो रोज़ बेशतर उस यानी पिछले हफ्ते की बात है कि दो फ्लाइटें 784 और 791 जो टोरंटो कनाडा के शहर टोरंटो से जिसके प्रवास करना था क्यों डिले हुई। जनाब आपको याद होगा तमाम मेंशंस की जो टीम है उनको याद होगा, ट्रैफिक वालों को दोस्तों याद होगा कि उनको बस गिरती है तो बेचारे पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स के ऊपर और छोटे मोटे फिर क्रू के पीछे लोग लग जाते हैं कि आपने ये कर दिया। लेकिन नहीं जनाब, जब टेक्निकल डिले होगी, जब भी टेक्निकल कोई डिले भी होगी तो उसके ज़िम्मेदार उसके कंसर्न इदारे हैं। उसमें टोरंटो वाली फ़्लाइट जो थी उस पर वो टेक्निकल प्रॉब्लम आया और जिसकी वजह से वो लॉन्गेस्ट डिले का शिकार हो गई। नाज़रीन इस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटे सा वक्फा, हम मिलते हैं एक छोटे वक्फे पर। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग डी टी वी। टोरंटो से आने वाली फ्लाइट पाकिस्तान इंटरनेशनल 784 की लंबी डिले, लॉन्गेस्ट, बच्चे बूढ़े जवान उनको लुक आफ्टर जो करने वाला प्यारे एयर में फॉरन स्टेशन पे वो पीआईए का पैसेंजर हैंडलिंग सर्विस डिपार्टमेंट यानी ट्रैफिक है और वहाँ के लोकल स्टेशन मैनेजर, वहाँ की टीम स्टेशन मैनेजर के अंडर जो है पाकिस्तान बेस्ड दो तीन ऑफिसरों पे और बाकी वहाँ से लोकल एजेंसी है। लिहाजा जब हमने टोरंटो रब्ता किया और कराची जनरल मैनेजर पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज सैयद जुल्कर हैं सैयद जुल्कर ने मेहदी साहब से रब्ता किया, वो ऑनलाइन थे टोरंटो के साथ, पैसेंजर्स को रिकॉफ किया जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन गुंजा तो इंजीनियरिंग वाले दोस्तों ने लगाना है, मेंटेनेंस वालों ने लगाना है। अब
हरियाणा यहाँ से हजारों मील दूर कैसे पुर्जा पहुँचे, वहाँ से तो अवेलेबल नहीं है, वहाँ को लोगों को रक्षा हमारी नहीं है कि टायर पंचर थोड़ा लगवाना है कि जाके नगरा फाल पे पंचर वाले से क्या इंजाम लगा दे। लिहाजा ये बड़े कष्ट हैं, बड़ी तंगियाँ हैं। एयरलाइन चलाना खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन चलती है। एक जहाज से एमरेट्स को सैकड़ों जहाज तक पहुँच गया और हम 48 जहाज से सिर्फ 15-16 पे आ गए। कितनी बार से ये बात है, हम उस्ताद थे, हम टीचर थे, हम इंस्ट्रक्टर थे, हम एयरलाइनें बनाने वाले थे, माल्टा बनाई, एमरेट्स बनाई, ना जाने किस किस को बनाया, और हम बनाते बनाते खुद जमीन बोस हो गए। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई दुख की बात है। टोरंटो फ्लाइट थे लॉन्गेस्ट डिले, वहाँ जो हशर हुआ, लेकिन मैं दाद देता हूँ, मैं आई पर्सनली सूट टू ट्रैफिक टीम, फिर कराची में जनरल मैनेजर और तमाम टीम जो थी हरकत में थी, रब्ता किया जा रहा था इंजीनियरिंग वाले एक यहाँ से जाने वाली जहाज पे पुर्जा लेके गए। तो मैं तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि फॉल्ट इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की है। सकता है कोई एब्रप्टली ये जो एयरक्राफ्ट है ये इतने थोड़ा टेस्ट के बाद बनाए जाते हैं कि इसमें जिससे मालिक कायनात ने इंसान के अंदर दो दिल रख दिए गए हैं, इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। कमाल बनाने वाले, उड़न खटोला बनाने वालों ने कमाल किया कि इसको खूब टेस्ट किया। ना तो ये थंडरस्टॉर्म से घबराता है, ना ये हेडविंड से घबराता है, ना इसके ऊपर कोई बारिश हैवी रेन्स का असर होता है। बहुत सूरत हो ये डाइवर्ट करता है, इसके हादसा की रेशियो बहुत कम है और उसकी वजूहत बेशुमार हो सकती हैं। लेकिन टोरंटो फ्लाइट की हैंडलिंग में ये को बहुत नुकसान हुआ, उसकी डिले में बहुत नुकसान हुआ, और उस नुकसान का अंदाज़ा एक आम पाकिस्तानी के लिए लगाना बेहद मुश्किल है। इसलिए कि दुनिया की तमाम एयरलाइन जो हैं वो कमर्शली ट्रीट करती हैं हर पैसेंजर के साथ, वो अगर $200 या £200 की टिकट लेती है तो पानी का थोक भी देती है, वो हर चीज़ बेचती हैं, वो कॉफ़ी का कप बेचती हैं, वो छोटा सा जो खाने का बॉक्स है, छोटी मोटी तो चॉकलेट्स बेचते हैं, लेकिन यहाँ तो नंबर ही खुल जाता है। इधर डिले का नारा भजा, डिले का नकारा भजा, तो ये हमारी मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी अपने ज़ाती तजर्बे और एविएटर होने की हिसाब से या मीडिया का एक अदना सा स्मॉल जर्नलिस्ट होने के नाते ये है कि चूँकि मशरकी रवायात में हमारे माड़े से माड़े कर रहे अगर कोई आ जाता है तो हम पानी, चाय, ठंडा कॉफ़ी, जो हमारी हैसियत होती है, हम सर्विस शुरू करते हैं। तो उसी रवायत को, उन्हीं ट्रेडिशंस को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने शायद ज़्यादा ही दिल को लगा लिया, सीधे से लगा लिया। इधर थोड़ी बहुत डिले हुई तो हमारे जो ज़मीनी मेज़बान हैं, ग्राउंड के ऑफिसर्स हैं, वो जो कॉफ़ी करना शुरू कर देते हैं। खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर लंच टाइम है तो लंच दिया जाएगा, अदर देन लंच है, यानी सर्विस कमाल कर दी जाएगी बच्चों को कॉफ़ी में। बदनसीबी है कि दिल पी आई इतनी उसको मुख्तलिफ कॉर्नर से इतना बदनाम कर दिया, फिर लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कुछ पोलिटिकल इलेक्शन जब होती गई तो असल लोग दबते गए, ऐसे ही जैसे कप्तान के असल बदले जो हैं, असल जो 22 साल के साथ हैं इंसाफ वाले बच्चे, वो नीचे दब गए। और इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, और जनाब मुशरफ साहब के तमाम टीम और कुछ तो मरहूम की पीपल्स पार्टी के जाले उनके साथ मिले तो उन्होंने कोई चल चलाने लगा, काम चलाने लगा, उसमें हम बाद में बात करते हैं, उसकी आज बात नहीं होगी। लेकिन आइए हम आपको फिर बर्मिंघम ले चलते हैं। एक और फ्लाइट लेट हो गई, सिमल्टेनियसली दो फ्लाइट्स, दो स्टेशन पे फ्लाइट्स स्टक हो गई, पैसेंजर्स स्टक हो गए, और उसमें भी हमने रब्ता किया हमारे लंडन ऑफिस ने, जनाब मुकरम अफसर चीमा साहब ने जो डी एन हैं यूके के और CEO हैं KFC's के, उन्होंने वो मुसलसल रबते में रहे, कराची हेड ऑफिस रबते में रहा, हमारे दोस्तों की टीम और ई टी वी वाली टीम थी वो कहीं ना कहीं लगे रहे और कोशिश करते रहे कि उस मेंटल एग्नी से
पैसेंजर निकले और हम शाना बशाना पैसेंजर एंड सर्विस की टीम के साथ रहे और फिर सी ओ साहब से भी रब्ता रहा, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है जनाब डॉक्टर मुशरफ सूर साहब, परवरदिगार आप पर रहम करें, आप भी गर्दाब में हैं, अल्लाह सब पे रहम करे, करम फरमाए, लेकिन हमने मुतद्दद बार कोशिश की कि जनरल मैनेजर पैसेंजर जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन जो मिस्टर ताजवर हैं उनसे कोशिश करते हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, वो समझते हैं कि एक ऑफिशियल पेज के ऊपर पोस्ट लगा दी, प्रेस रिलीज दे दी तो सब अच्छा हो गया। उनसे क्या कह सकते, ये कहेंगे कि जब हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की जिस भी फ्लाइट के बारे में तो नो रिस्पॉन्स हुआ, हमने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, बेशुमार दफ़ा उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन बैड लक वाज वो मुनासिब नहीं समझते, लिहाजा हमने भी सोचा इस बारे में हम वी आर रियली मच डिलाइटेड टू लेट यू नो दैट सी ओ डॉक्टर मुशर्रफ सूर साहब रबते में रहते हैं, जी एम पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज जो कर रहे हैं नदी साहब फॉर रबते में रहते हैं, इमीडियटली रिस्पॉन्ड करते हैं, जनरल मैनेजर फ्लाइट सर्विस इमीडियटली रिस्पॉन्ड करते हैं, मैनी अदर ऑल स्टेशन मैनेजर्स फॉर बताते हैं ताकि लोगों को अपडेट रखा जाए, लेकिन अगर नहीं कोई रबता रखना पसंद फरमाता तो वो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन कैप्टन उजैर से हमें तवक्को नहीं थी कि वो बड़े सो आइसोलेट हो जाएंगे और बात करना भी दोबारा नहीं करेंगे और अपडेट करना भी दोबारा नहीं करेंगे, इससे पूछा जाए जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन बिल्कुल इस मामले में कोई अपडेट नहीं देते, एक प्रेस रिलीज ट्विटर पर लगाई, कहीं दाएं बाएं लगाई, कैसे तो फिर हम अपनी हिम्मत से हम अपने कागज से मुकम्मल मुकम्मल कॉम्प्रीहेंसिव अपडेट देते हैं, डिटेल लेते हैं और उसके बाद हम दुनिया में शेयर करते हैं हमारे डी टी वी वेब चैनल के ऊपर और हमारे जो लिंक्स हैं ट्विटर है यूट्यूब है इसके ऊपर हम आपको अपडेट रखते हैं और इसके बाद आप लम्हा बलम्हा आप तक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यूज़ पहुंचाते हैं। तो आइए हम आपको थोड़ी देर के लिए पेरिस ले चलते हैं, पेरिस पे पाकिस्तान इंटरनेशनल 750 जो टीम को वहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था, हमने वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन की, हमने वहाँ अपने जो ब्यूरो चीफ पेरिस हैं उनसे रब्ता किया तो मालूम हुआ वो ये इस तरह है कि आप खुश हो जाएंगे कि हम बात का भुतंगड़ बना देते हैं, खामियाँ ज़रूर हैं कहाँ नहीं है, मुझे बताइए पाकिस्तान में 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ, आप कहते हैं सिस्टम बैठ गया, हाई सिस्टम बैठ गया, एक कमाल हो गई 5 साल के बाद इलेक्शन, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस लॉर्डशिप पे गया था कि जब सिस्टम बैठ गया तो क्या इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था, तो जनाब इज़्ज़त माँ आप इज्जत इकराम माई लॉर्ड सो नहीं गया, उठाइए बंद कीजिए, अरेस्ट गिरफ्तारी का हुक्म दीजिए, बहुत बड़ी बदनामी हो गई दुनिया में, तमाम इलेक्शन आपने भी देखे हैं, आप देखते हैं, आप मुनसिफ हैं, आप भी आप उसके ऊपर बताते हैं रहनुमाई करते हैं, लेकिन इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि 5 बजे तक इलेक्शन ठीक चले चले कछुए की चाल करे स्लो चले लेकिन फिर 6 बजे के बाद चल सो चल हो जाए, इस पर हम बाद में बात करते हैं। और जब पैरिस की बात हुई तो 750 अपने टाइम पे वहाँ से जब लेट आई थी लेट वापस हो रही थी उसके अंदर उसने जाना था, लेकिन हम आपको बता दें कि यूरोप में एक जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर अमल दरामद 100% है, पाकिस्तान में कोशिश की गई तमाम हुक्मरानों ने कोशिश की कि शाम 5 बजे के बाद आप बिजली बंद कर दें, कारोबार 8-9 बजे के बाद बंद कर दें, हमने कहा जाओ जो करना कर रहे हम बुहरानों का शिकार हो, हम पानी के डैम जाओ ग्राम में आगे हम डैम ना बनाया ना बनने दे रहे और हम कहत का शिकार हो गए था, हम हर जगह इस्लामाबाद में पानी की कमी होगी मुल्क में पानी की कमी होगी लेकिन हम कहना नहीं मानते, लिहाजा 750 जिसे इस्लामाबाद तरह से इस्लामाबाद आना था उसकी उसके कैप्टन राव गहलूर थे और 35 फर्स्ट क्लास के लोग थे पैसेंजर से आप एक काम पाकिस्तानी मुसाफिर, मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूँ बिजनेस क्लास के
आम बंदे का, आम बंदे के बस की बात ही नहीं ट्रैवल करना, वहाँ सिर्फ मुफ्त ट्रैवल करते हैं, वहाँ मुफ्त थोड़े मरान वजीर कभी ट्रैवल करते हैं, हमारे बंदे का कोई कम नहीं बिजनेस क्लास ट्रैवल करने का। लेकिन हैट्स ऑफ टू पेरिस पीपल, 35 to 35 सीटें बिजनेस क्लास के लोग थे, और आगे इकोनॉमी क्लास है वो उसकी कॉन्फिगरेशन जो है उसकी कैपेसिटी 358 थी, लेकिन वो 5 साल से माइनस जहाज था, और उसको उन्होंने वहाँ की जो लोकल टीम है, वहाँ की स्टेशन मैनेजर, वहाँ की स्टेशन मैनेजमेंट जो है, उन्होंने उसको बिल्कुल क्योंकि तहकीर से लिहाज आया था, वक्त पर रवाना करने की कोशिश की, क्योंकि पैसेंजर हैंडलिंग सर्विसेज की पूरी कोशिश होती है कि जहाज़ अपनी मंजिल पे जाए, कि लोग अपनी मंजिल पे जाएं, और जाए गैर में इसके ऊपर बड़े अखराजात पड़ते हैं, लिहाजा उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो इसको अपने मुल्क भेजने में हर मुमकिन कोशिश करें कि वहाँ एक सेकंड की ताखीर भी ना हो। पर स्टेशन पर वो भी प्रॉब्लम करता है, कप्तान साहबान भी बड़े वीर वाले होते हैं, लेकिन उस दिन शूमी किस्मत हमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन ने बताया, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें बताया, मैंने खुद भी रब्ता किया पैरस में, हमने दाएँ बाएँ से पूछा, मैंने खुद रब्ता किया, अनफॉर्चुनेटली जर्मन पॉपुलेशन ने रब्ता ही किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही वो उठाते हैं। फिर मेरी कोशिश थी कि मैं जनाब सैयद सुल्तान मेहती साहब, वेरी एक्टिव ऑफिसर, वेरी एक्टिव यंग जनरल मैनेजर, इनसे सोचा कि बात करते हैं, लेकिन फिर हमने ये बेहतर समझा कि हम पहले पेरिस में अपनी टीम को कहते हैं कि सारा डिग आउट करें, पैसे से बात करें, जो छोड़े आए थे उन लोगों से बात करें, लोकल अथॉरिटी से बात करें। मालूम ये हुआ कि आप भी सुनिए जनाब ग्रेटियस आप सी साहब इंजीनियरिंग के डायरेक्टर इंजीनियर, आप बॉस से सुनिए कि ये पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक को क्या पता, पैसेंजर को क्या पता कि APU क्या चीज़ है, GPU क्या चीज़ है, स्टार्टर क्या चीज़ है, उनको तो तहकीर से गर्ज है, वो तो बेचारे आएंगे साल आठ साल के बाद आए, महंगी टिकट खरीदी बच्चों के साथ, बूढ़े वालदेन के साथ, किसी की बेटी की शादी, किसी के भाई की शादी, कोई मौत प्यार है, कोई खुशी प्यार है, उनको क्या गर्ज के किसी जहाज़ का APU खराब हो जाए। तो जनाब CEO साहब, जनाब डायरेक्टर इंजीनियर, जनाब कैप्टन उज़ैर खान साहब, आपको मालूम होगा कि जब APU खराब था और नीचे से एयर कंडीशनिंग वैन जो है वो फुल लगी हुई थी, तो फिर बताइए ग्राउंड का क्या कसूर था, वहाँ के लोकल मैनेजमेंट का क्या कसूर था, जो अवेलेबल उनके पास इक्विपमेंट SOP के मुताबिक उससे उन्होंने इस्तेफादा किया, उसको लगाया गया, और उसके बाद APU अनसर्विसेबल हो जाना, और इसका कसूर है, आप फैसला आपके है, तमाम मैनेजमेंट देख लें, ये आम पैसेंजर्स को तो बेचारों को नहीं पता होगा। तो जो मेन फॉल्ट था दैट वाज APU अनसर्विसेबल। जब जहाज़ नीचे ग्राउंड पे होता है तो उसको नीचे स्पोर्टिंग पावर जो लगाई जाती है उसमें एयर कंडीशनिंग वैंस लगती हैं जो जहाज़ की कूलिंग करती है। फिर ग्राउंड स्टाफ ने ये पूरी कोशिश की कि वहाँ से जहाज़ को निकाला जाए, इसलिए 11:44 तक तो ऑलरेडी जहाज़ लेट हो चुका था, और 12 बजे के बाद पिन ड्रॉप साइल्स पेरिस एयरपोर्ट बंद हो जाता, यूके के यूरोप के तमाम एयरपोर्ट्स बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं, और फिनिश कर्फ्यू, इसको कर्फ्यू कहते हैं, कर्फ्यू लग जाए तो आपका जहाज़ मूव नहीं कर सकता, नाइट स्टॉप हो जाता, नाइट स्टॉप हो जाता तो यही लोग जो अंदर जहाज़ में हमारे काबिल एहतराम पैसेंजर्स, हमारे मोहतरम पैसेंजर्स जिनको घर आने की वाकई बेचैनी होती है, वो अंदर बेचैन होते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, एक को तकलीफ हुई, 6 इकट्ठे हो गए, तो कोई उस वक्त ख्याल नहीं करता कि अगर 12 बज गए और इस हल्ला गुल्ला में 12 बज गए और जहाज़ कर्फ्यू की नज़र हो गया क्या बनेगा। नेक्स्ट डे तक डिले, नेक्स्ट डे तक होटलों में जगह मिले ना मिले, और वो एक खौफनाक सूरत होती है। लिहाजा हमारे वी डोंट फाइंड वर्ड टू अप्रिशिएट पेरिस स्टेशन मैनेजमेंट, हेड ऑफिस PHS डिपार्टमेंट, एंड ऑफ कोर्स केबिन क्रू, फिर कप्तान साहब के बारे में चूँकि इल्म नहीं और APU खराब था तो उसका हेड ऑफिस से रब्ता, APU अक्सर APU खराब जाता है, अनसर्विसेबल हो जाता है। वाई
ऑलवेज ऑलवेज इंजीनियरिंग कहती है हमने 10,000 डॉलर बचा लिया। मैं गुजारिश करूँगा कि ये क्यों खराब करता है, लोगों के दिमाग को खराब हो जाते हैं, इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि फॉरन स्टेशन पे जाके उसको दूसरी पगसी हो गई। वेट व्यूअर्स, पाकिस्तान में तो हम हब्स का शिकार हैं, सफोकेशन का शिकार हैं। चले हम आदि हो चुके हैं, हम तरक्की पजीर ममालिक में अभी लगभग उससे भी पीछे हैं। कोशिश की, मेयर साहब ने कोशिश की, मेरी आई बहुत आई, साफ कहते हैं, खुल के बात करते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। अब वो बिजली साथ को नहीं ले गए, वो तो जेल में है, या तो ये है कि वो ट्रांसफार्मर उठा के रायगढ़ ले गए, या उन्होंने बिजली कहीं चोरी कर दी, या बिजली बेच दी, या मोदी को जो कहते थे कि मोदी का जो यार है फ्लाएं, फिर सियासी बात हो जाएगी। बिजली उन्होंने कहीं चोरी कर दी, बिजली यहाँ वापस थी। मैं बिल्कुल वसूक से कह रहा हूँ कि पूरे पिछले 3-4 महीने में कोई बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, मिनटों के हिसाब से कहीं वापस आ गई। और जहाँ उस वक्त हमारी रहश है और स्टूडियो है ऑर्डर टाउन लिंक रोड पर, बिजली जाने का सफर ही नहीं था। क्या हो गया, ये सारी जिगजैग ये बंद होनी चाहिए। जहाँ बाप के जज साहब इस पर ज़रा मेहरबानी फरमाइए, गौर कीजिए, और ये लेस्को को क्या हो गया, ये फेस्को को क्या हो गया, ये खिस्को को क्या हो गया, ये पाकिस्तान की बिजली को क्या हो गया, मेहरबानी फरमा के इनको बुलाइए और इनको ज़रा टांगिए कि ये बिजली आनंद फानंद किसी नीचे से लीक करके चली गई है। क्या तूफान आ गया कि एक कम आसमान गिर गई तो नीचे गिरा दी गई। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये सर जो लॉर्डशिप आपसे गुजारिश है कि इंटरन गवर्नमेंट तो बेचारी आज गई थे कल गई, इनका कोई हाल नहीं। मुझे इंतहाई अफसोस है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जी सबकी कैदें माफ़ हो जाएगी। लॉर्डशिप समन कीजिए, वो कौन होते हैं कि फ्रां की जो 14 अगस्त को कैदियों की सजा माफ़ की जाती है, सदर पाकिस्तान का वो प्रायोरिटी है, वो लॉ में प्रायोरिटी है। ये कल है नहीं है, इनको कोई दिलचस्पने की कुछ इनको क्या जरूरत है, वाई इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। ये बड़ी ज्यादती की बात है, ये क्या समझते हैं 1.5 घंटे के बाद ये चले जाएंगे। जाने वाले आने वाले हुक्मरान जो हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, और ये वाजे है कि जो हम आपके ऊपर कुरान मुसल्लत करें तो वो उनका एहतराम हम पे लाजम है, हमारे दिल शक में अपनी जगह पे। लेकिन ये हम पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बाद में बात करेंगे। बिजली के ऊपर अलबत् लॉर्डशिप को गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि बात चूँकि APU अनसर्विसेबल की बात हुई तो ज़्यादा बिजली का जिक्र हो गया। तो ये इंजीनियरिंग को चाहिए कि खौफ खुदा करे, ये 10,000 डॉलर बचा के 1,00,000 डॉलर का नुकसान कर देना, ये कहाँ की इंसाफ कहाँ का इंसाफ है। लिहाजा मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो डॉक्टर मुशरफ रसूल सैयद साहब हैं कि लगे हुए बेशुमार तकालीफ की बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन फिर भी अदालतें उजमा इनको तलब कर रही हैं, अदालती मामला में इनको जवाब देना होगा, जवाब देते रहेंगे जा रहे हैं। हमने उनसे गुजारिश की थी कि लिटिगेशन में जो बहुत पैसा ज़ाया हो रहा है उसको आप प्लीज़ मेहरबानी करके कम करें, और इंक्वायरियाँ बिल्कुल लाखों रुपए के केसेस जो बंद पड़े हैं वो ब्लॉक ऑफिस से जा रही हैं, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 20,000 का बेचारा मुलाजम निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर लाखों रुपए केस भी पता हो जाते हैं, गुजारा ये बंद करें। यही एक ये बहुत बड़ा हेड जो है, यही अगर आप बंद कर दें तो पैसा ही पैसा उसके ऊपर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके ऊपर फिर बात करेंगे और पूछेंगे कि आप फलां जगह पे जो आप हल्ले तरले करते हैं वो उसकी वजह बताएं। हमें बताया गया कि जो खातून डायरेक्टर है वो बाहर से इम्पोर्टेड है हिल्टन ब्रांड की तरह, तो मालूम है हमारे यहाँ तो बड़ी डायमंड फीमेल ऑफिसर्स पड़ी हुई है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट जो है बिजनेस मैनेजमेंट बेशुमार लोग पड़े हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, बेशुमार ऐसे ऐसे स्किल्ड लोग हैं, खातीन हैं, प्रोफेशनल मर्द हैं, तो बाहर से 15-20 लाख रुपए की ये कौन सी मजबूरी आई, ये भी आपको जवाब देना होगा। डॉक्टर साहब ये बड़ी ज्यादती हो गई, अगर आपके ऊपर किसी ने ये थोपा है तो बड़ा जुल्म किया है। ये 15-15, 20-25, 25 लाख के
आप पैसे के मुलाजम रखते हैं, बंदे बाहर से बुलाते हैं, ये डायरेक्टर कहाँ से आई, ये कहाँ से पड़ी हुई है और कितनी पड़ी हुई है, इसने कौन सी एयरलाइन में एज ए जनरल मैनेजर भी काम किया है या डायरेक्टर भी काम किया है, हम इस पर पूछेंगे, वो कोशिश करेंगे या उनसे रब्ता करें तो कहाँ से बहुत बड़ी डिग्री लेके आई है कि हमें पाकिस्तान में एचआर का बंदा या बंदी नहीं मिलती। हमारे बेशुमार प्रोफेशनल पड़े हुए हैं। ये बड़ी ज्यादती है कि आप अपने अंदर जो आपका इंटरनल ऑफिसर है एयरलाइन का उसको 1.5 लाख दें, और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए मुझे बार बार टेलीफोन आ रहे हैं, बड़े दोस्त कह रहे हैं मुझे, मोहतरमा रक्षंदा साहबा जो क्वालिटी कंट्रोल की मैनेजर थी फ्लाइट सर्विस में, उनकी कॉल आई, मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि वो वेल ऑफ हैं लेकिन वो जो बेचारे माड़े एम्प्लाई रिटायर हुए, और इस तरह राजा सईद साहब इस्लामाबाद में कोशिश कर रहे हैं, जनाब जी एम अंजम साहब हमारे सीनियर साथी रिटायर वो कोशिश कर रहे हैं, जनाब मुरम्मद सलीला साहब ने हुक्म फरमाया था, तो आज मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस के ऊपर प्रोग्राम है, तो बाकमाल लोग फिर बड़ी कसम खुशी में ज़िंदगी गुजारे रिटायरमेंट के बाद, क्या हो सकता है, क्यों ख्याल नहीं कर रहे। और हाकिम मुसिफ साहब ने तलब किया हुआ है, कंटेंप्ट लगी हुई है, क्या हम कंटेंप्ट और कटहरे में जाके सारा कुछ हल करेंगे? तो मेरी ये मेरी एडवाइस है कि डोंट वेस्ट द टाइम और दूसरी एयरलाइनों के साथ कंपेरिजन करें। मैंने तो चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की थी कि जनाब 6,000 में किस तरह सर्वाइव हो सकता है, मुनसिफ की पेंशन 5-6 लाख से ऊपर है, एजुकेशन में 60-70 हज़ार, मैनी अदर डिपार्टमेंट में 1 लाख से कम और 50 से ऊपर पेंशन है, सिर्फ बहुत पाकिस्तानी इंटरनेशनल इदारा है जिसमें ओनली 6,000, 5,000, 4,000, 3,000 पेंशन है। जनाब माई लॉर्ड योर ऑनर, ये क्या जुल्म है, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? तो ये इस पे सर इनको तलब कीजिए। बल्कि मुझे अभी 10 रोज़ पहले हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और माड़े माड़े 15-20 हज़ार रुपये के रिपोर्टर, ट्रांसमिशन ऑफिसर्स, ट्रांसमिशन असिस्टेंट, वो रोए पीटे कि उनको तनख्वाहें कई महीनों से दी नहीं जाती। गुजारिश ही कर सकता हूँ जो हमारे मीडिया मालकान दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि ये छोटे छोटे पैसों से इनके घर के चूल्हे जलते हैं। आपको अल्लाह ने बहुत दिया है, छोड़िए अदालतों में जाना, छोड़िए इनका इनको डांट डपट करना, अल्लाह आपको और देगा। इन बेचारों के जो भी लेन देन है उसको क्लियर कर दीजिए और फिर ये देखें आपके लिए क्या काम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि वो ये मेंटेनेंस पे खासा ध्यान दें, अदरवाइज कोई डिले नहीं है, अदरवाइज डिले है वेदर, वेदर हमारे अभी फॉग सीजन आएगा देखी जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल डिले है वो बहुत नुकसान पहुँचाती है, डिले सारी नुकसान पहुँचाती है। लेकिन आप दुनिया में दूसरी एयरलाइन की डिले का डिले हैं, डिलेज आर देयर, लेकिन अनअवॉइडेबल जो डिलेज हैं वो तो हो गई, जो अवॉइडेबल डिले है उस पर तो ख्याल करना चाहिए। मैं तो तमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रू, केबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, हमारे जो दोस्त हैं कप्तान साहबान, हमारे डायरेक्टर इंजीनियर्स और ग्राउंड सर्विसेज, फजाई मेज़बान, तमाम से गुजारिश है कि आइए इस एयरलाइन को नई एयरलाइन में 80 वाली एयरलाइन बनाए, बहुत सारा ख्याल रखिए और कई चीज़ों के साथ फिर हाज़िर होंगे, क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर फिर हाज़िर होंगे। हम आपसे मोहब्बत और चाहत की दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हमारे प्रोग्राम आप पसंद करते हैं और आप पसंद करते हैं तो हम भी फिर फिजाओं में उड़े फिरते हैं और हम आपको लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट रखते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। GTV की तरफ से पेश की आपको एडवांस इंडिपेंडेंस डे मुबारक, बहुत बड़ा दिन आ रहा है, खुदा करे इसमें जो हलफ उठाएं, हलफ तो झूठा उठाते हैं, अब किसने हलफ उठाया, जिसने हलफ उठाया उसने तोड़ दिया, जिसने जो कहा उसने तोड़ दिया, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। आज सिर्फ बाकमाल लोग और लौटाएंगे हम लाजवाब सर्विस, रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग GTV एंड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद आवर लिंक्स, ट्विटर, यूट्यूब, ऑफिशियल पोस्ट पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑल अदर कंसर्न, और इजाज़ दीजिए। आप थे लाहौर पाकिस्तान से, बाकमाल लोग के साथ अगले फिर किसी प्रोग्राम में एक बाकमाल प्रोग्राम लेके हाज़िर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।